जय हिंद। नमस्कार मेरे शेर सैनियों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो हिम्मत हार चुके हैं एसएससी जीडी में कम नंबर आने के बाद, और वो बच्चे बार बार जब भी यूट्यूब पे लाइव क्लास लेते हैं या कोई भी वीडियो डालते हैं तो उनका ये क्वेश्चन क्योंकि हमेशा मन से उठता है कि मेरे इस बार पेपर में किसी कारणवश नंबर कम आ गए, या घर की परिस्थितियों के कारण, या किसी काम के कारण, या मैं नहीं पढ़ पाया, तो अगली भर्ती एसएससी जीडी की कब आएगी। जिन बच्चों को अपने माता पिता की चिंता रहती है, जिन बच्चों को अपने जीवन की चिंता रहती है, उनके हमेशा महत्वाकांक्षाएं बड़ी होती है और वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम अपनी घर की जो प्रॉब्लम है उनको ठीक कर सकें। जब वो विफल हो जाते हैं किसी पेपर में, फेल जैसा कुछ नहीं होता है, आप एक सीढ़ी है जिस पर चढ़ने की कोशिश करते हो, पैर फिसल के नीचे गिर सकता है इंसान, लेकिन जो हिम्मत ना हारे, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, यानी जो हिम्मत नहीं आ रही वो दोबारा चढ़ जाएगा। इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है, भर्तियां आएगी, मेहनत करने वाला चाहिए और आएगी, और सफलता का सिर्फ एक ही मंत्र है, एक बार और, ट्राई अगेन अगेन एंड अगेन। अगर आप लगातार कोशिश करते जाओगे तो 100% जिस भी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हो आपको उससे बेटर मिलेगी। तो उन बच्चों के लिए वीडियो, बहुत सारे बच्चे किसे सीआरपीएफ एसएससी जीडी की अगली वैकेंसी कब आएगी, वैसे क्योंकि इस जो कैलेंडर आया इसमें इसकी नोटिफिकेशन नहीं है। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि एसएससीडी की जो अगली वैकेंसी है, लाड दो मान के चलना 2023 के अंतिम से पहले नहीं आएगी, और इसकी जो आपको नोटिफिकेशन या इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो एसएससी का जब जून या जुलाई वाला कैलेंडर आएगा उसमें ये जानकारी मिलेगी। तो तब तक आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सेम एसएससीजीडी के तर्ज पर सीआरपीएफ, यानी एसएससीजीडी के माध्यम से भी सीआरपीएफ में जाते हैं, तो ये वैकेंसी आ चुकी है आपकी 9212 पोस्ट की। तो जो बच्चे एसएससी जीडी में नहीं लग पाए उनकी रगों में जो खून दौड़ रहा है अब 200 की स्पीड से दौड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप पहले विफल हो गए हैं, ये फिर से मौका है, सिलेबस सेम एसएससी जीडी जैसा है, कुछ भी बदलाव नहीं है, और अब आप कर सकते हैं। अगर आप विफल हो गए हैं उसमें, पेपर में नंबर कम आए, कोई भी आपकी समस्या रही है, वापस उठ जाइए और अभी से तैयारी शुरू करिए, क्योंकि इसका जो पेपर है वो जुलाई के महीने में है, 1 जुलाई से इसका पेपर शुरू है। ये वैकेंसी 9212 पोस्ट की कम नहीं होती, इससे पहले एसएससी जीडी की जो वैकेंसी थी वो 25,000 की थी। आप सोचिए, ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट की वैकेंसी इतनी बड़ी है। आपका भी अगर सपना मेरी तरह कोबरा कमांडो बनने का, तो ये सीआरपीएफ वाली वैकेंसी आपका पूरा कर सकती है वो सपना, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना, मैं आपको बता दूं कि 27 मार्च से इसके फॉर्म शुरू हो रहे हैं लाडलो, 25 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। मैं आपको यहां पर एक और खास बात बता दूं कि जो भी ट्रेडमैन है इसमें, इनकी सैलरी और इनका जो जैसे सीटी जीडी सेम लिखा जाता है, जो एसएससी जीडी के माध्यम से जो भर्ती होती है वो ट्रेडमैन के द्वारा जो भर्ती होते हैं, इनका सैलरी पैकेज समान होता है, जो बेसिक पे है बिल्कुल समान होता है, उनके भी सीटी जीडी लिखा जाता है, कॉन्स्टेबल जीडी, और आपके भी जो यानी इस भर्ती के माध्यम से लगेंगे उनके भी कॉन्स्टेबल जीडी ही लिखा जाएगा, समझे। तो कोई फर्क नहीं है, अब आप वापस एक बार खड़े हो जाइए, और अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही जबरदस्त तैयारी करें तो लाडलो आप सभी के लिए, मुझे पता है कि जो बच्चे विफल हो गए हैं उनके पास में पिछले बैच में या किसी कोचिंग माध्यम में उन्होंने बहुत पैसे खर्च कर दिए होंगे। ऑफलाइन एकेडमी में भी बैच शुरू हो गया, जो बहुत कमजोर बच्चा है वो अकेडमी भी आ सकता है, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिए आप। और अगर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हो तो मात्र 100 रुपए में ये बैच लॉन्च किया हमने उन बच्चों के लिए जो पिछली बार विफल हो गए। आप कहीं से भी पढ़े हो इस बैच में जुड़िए, गारंटी लेता हूं मैं आपके सिलेक्शन की। इस बैच में से जो भी जो मैटर आपको दिया जाएगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, मात्र 100 रुपए में है रक्षक बैच। इसमें एक फायदा आपका ये होगा कि ना केवल आपको पेपर की, जब बाद में आपका ट्रेड टेस्ट होगा उसकी भी तैयारी बिल्कुल निशुल्क कराई जाएगी। पेपर की आप और कहीं से भी करोगे, लेकिन अंतिम में फिर आप ट्रेड के लिए हमारे पास में आओगे, क्योंकि जो ट्रेड टेस्ट का नॉलेज है वो बाहर जो भी कोई भी बंदा है बाहर सिविलियन को इतना नहीं है जितना किसी फोर्स में लगे हुए इंसान को। आप सभी को पता है मैं सीआरपीएफ में सर्विस कर चुका हूं, तो सीआरपीएफ में जो ट्रेडमैन में किस प्रकार के क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं या किस प्रकार से ट्रेड टेस्ट होगा, इसकी इंफॉर्मेशन मेरे से बेटर आपको कोई नहीं बता सकता। तो अगर आप चाहते हैं तैयारी करना, सिलेक्शन पाना, तो इस बैच से जुड़ जाइए। 1 अप्रैल से ये बैच लाइव होगा, आपका ए टी से लगा के चोटी तक, यानी ए टू जेड पूरा सिलेबस। और अगर आपको डेमो देखना है तो आप एक बार टेलीग्राम पे जाके हमारी पीडीएफ का डेमो देखिए कि किस प्रकार से एक बैच में तैयारी होती है। सिर्फ यूट्यूब पे हवाबाजी में मत रहिए, यूट्यूब पे कंटेंट कम
और हवाबाजी ज्यादा रहती है, ये मैं पहले भी बोल चुका हूं। तो जिसको तैयारी करना है, सीरियस होकर सिलेक्शन पाना चाहता है, वो इस बेस से जुड़ जाइए। आपका 100% मैं बोल रहा हूं कि अगर आप दिल से तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है लाडलो, घबराने की जरूरत नहीं है। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, समझो, सोचो क्या कमी रह गई, फिर सुधार करो। ठीक है, तो जो भी आपकी कमी है उसको समझ लीजिए और उसको दूर करते हैं हम और आप साथ मिलकर, और आपका भी जो सपना है मेरी तरह AK-47 लेने का, वो जल्दी से साकार करते हैं। जय हिंद, जय भारत लाडलो।